Hi friends, if you are new on my channel, please subscribe my channel. Thank you. So, हम चौकीधानी पंचकुला जा रहे हैं जो कि अमरावती एनक्लेव में है. ये चंडीगढ़ शिमला हैवी रोड पे है. आपको फर्स्ट टोल टैक्स क्रॉस करने के बाद फर्स्ट यू टर्न लेना है और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके अमरावती एनक्लेव है. लीजिए हम चौकीधानी पहुंच गए हैं. बहुत ही बड़ी पार्किंग है, आराम से अपनी गाड़ी पार्क कीजिए. सो यहाँ पे आपका राजस्थानी कल्चर, राजस्थानी ट्रेंड से ये आपका स्वागत करते हैं. आप देखिए राजस्थानी आर्ट कितनी खूबसूरती से दीवारों पे इन्होंने कलर किए हुए हैं. और फर्स्ट एंट्रेंस के बाद आपका जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप आता है, यहाँ पे आपको तिलक लगा करके आपका स्वागत किया जाता है. इसके बाद आप एंट्रेंस करेंगे. एंट्रेंस करने के बाद बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे रिसेप्शन डेस्क है. अगर आपने ऑनलाइन टिकट ली हुई है तो आप इनको अपनी रिसिप्ट दिखा सकते हैं और ऑन द स्पॉट आप टिकट भी ले सकते हैं. सो यहाँ पे आपको महाराणा प्रताप जी की सेना के सिपाहियों के बारे में बताया हुआ है. कुछ आदिवासी भी दिखाई दे रहे हैं. शार्प शूटर तीर कमान के द्वारा महाराणा प्रताप जी अपने घोड़े चेतक के साथ. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पाठशाला है, विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते हुए. और यहाँ पे यक्षशाला, यज्ञ करते हुए. चलिए यहाँ पे आपको सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री जूस मिलेगा. जूस है, लस्सी है, पैकेज में ही इंक्लूड है. हाँ जी भाई साहब. सो यहाँ पे कुमार जी बैठते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं. बच्चों के साथ ये छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इसमें. ये एक बहुत बड़ा घंटा है. यहाँ पे हम इसका हैमर देख रहे थे, वो मिला नहीं. अब यहां पे आपको चाय के साथ में पकोड़े मिलेंगे. Thank you.
यहाँ पे आपको राजस्थानी शॉप्स भी दिखेंगी, आप यहाँ से राजस्थानी ड्रेसेस और कुछ राजस्थानी सामान भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा है बट ठीक है। यहाँ पे आपको राइड्स भी आप कर सकते हैं, घोड़ा गाड़ी है, बैल गाड़ी है, ऊंट की सवारी है, लेकिन ये सब पेड है, इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे हमारे मैजिशियन आ गए हैं। हाथ पे लगाया, माटी छुआ दिया, फूंक मार दिया, डाल दिया, वही माटी उठा लिया, लिया चुभे। मेरे बेटे ने ये फर्स्ट टाइम देखा है लाइव मैजिक, तो बहुत एंजॉय किया उसने। फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम पास है और बहुत कुछ ऐसी पुरानी चीजें जो आजकल नहीं दिखती वो यहाँ पे दिखेंगी। यहाँ पे खड़े हो जाओ साहब जी, ऊपर को आके एलो जी पकड़ लो, मुट्ठी बंद कर लो साहब जी, बंद कर लो, फूंक मार के डाल दो इधर को, ये देखो मार लिए साहब जी ने, देखो थोड़ी पैंट झड़का, थोड़ी पैंट झड़का दो जी, ये देखो, ये देखो, चले जाओ जी, चले जाओ। देखिए सर ये 100 रुपए हैं, फिर जा रहे हैं
एक दो तीन फूक मार दो साहब जी, आगे आके रेत चले गए ऐसे। आप देखिए सर, 100 रुपए चले गए वापिस आ रहे हैं, आ जाओ एटीएम से बाहर। लो साहब जी, यहाँ से हमारा मैजिक शो। देखो देखो देखो, मैं भी आता हूँ। बचपन में हम ये सब देखा करते थे, तो बहुत खुशी हुई कि मेरे बेटे ने भी यहाँ पे ये बायोस्कोप देखा। यहाँ पे गेम्स भी हैं लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन सब पेड है। कोई बात नहीं, एक और करो। ये भी गेम है। ननू खड़े हो। चलो चलो, चले मैं चलता हूँ। कुछ नहीं है, आ जा। अच्छा भी है। ओ। भूल भुलैया भी है यहाँ पर। पंडित जी भी हैं, 30 रुपए में भविष्य दिखाएं अपना। यहाँ पे कुछ गेम्स एक्टिविटी भी दी हुई हैं, जैसे स्नेक एंड लैडर्स है, चेस है, तो यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी भी कर सकते हैं बच्चे, आप लोग भी कर सकते हो। वर्षा नंबर, ये किस चीज की रोटी है? अब हम खाना खाने के लिए डिनर करने जा रहे हैं अंदर, और डिनर करने से पहले आपका स्वागत करते हुए ये राजस्थानी लोग। उससे पहले आपको कुछ राजस्थानी फोक का एक और म्यूजिक यहाँ पे मिलेगा। तो ये है राजस्थानी ट्रेडिशनल थाली, अच्छी है। रात के समय यह और भी अच्छा लगता है जब यहाँ पे लाइट्स जल जाती हैं रात के समय। अलग अलग कलर्स की लाइट्स हैं यहाँ पे, और ये हॉल है बहुत बड़ा, यहाँ पे भी बैठने की जगह बनाई हुई है। और अब हम वापस जा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा राजस्थानी सामान यहाँ पे दिखाया हुआ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
you. Thank you very much. Don't forget to subscribe my channel. Bye-bye.